अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने जो है एक प्रोसेस लेके आए हैं। ये प्रोसेस जो बकरी जो बच्चा देती है जब, तो उस वक्त का प्रोसेस है। ये इस बकरी ने अभी एक बच्चा दिया है। ये वो क्रॉस में बकरी है, टापरी बकरी है क्रॉस, इसने अभी एक बच्चा दिया है। तो ये बच्चा जो है अभी थोड़ा जो है हालत इसकी ख़राब थी, तो इसको अभी हमने वो सांस वांस दी है, तो इसकी सांस आई है। और जो है अब इसके आगे पीछे हम थोड़ी आग लगाएंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस वजह से इसको आग की ज़रूरत है। अभी अगर इसके साथ हमने थोड़ा वो नहीं किया, केयर नहीं की, तो ये मर भी सकता है। इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा कमज़ोर है। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये अभी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत जो है वो काफी जो है वो खतरनाक हालत है। अभी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसको बचाने की। आगे पीछे जरा इसके थोड़ा सा गर्माइश देंगे, इसको आग लगा के, और थोड़ी सी हवा हवा भी देंगे, ताकि इसके मुंह में जो है ना थोड़ी हवा डालेंगे, ताकि इसको सांस जो है वो बहाल हो। क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि इनके हलक भी जो है ना थोड़े चौक हो जाते हैं, तो इस वजह से सांस नहीं ले पाते और लोग समझते हैं कि मर गया है। तो आप जो है पहले जो है ना उसको थोड़ी सांस दिया करें, ताकि उसका वो जो हलक जो है वो साफ़ हो। मुंह से उसकी जैसे सांस देते हैं, यूँ करके यूँ पीछे मुंह लगा के ऐसे सांस देते हैं, तो फिर वो जो है उनका जो अंदर की जो हलक वलक होती है वो साफ़ होती है। तो फिर इस तरह से उनकी सांस वापस भी आ जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि वो मर गया है, लेकिन वो ज़िंदा होता है, बस उनका जो है वो थोड़ी वो लाइन चौक हो जाती है। तो इस वजह से ना अभी देखें इसकी सांस चल रही है अभी। वैसे अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये मर गया है, लेकिन ये जिंदा है अभी। अभी इसको हम उठा के आग पे ले जाएंगे। आग हमने जलाई है, तो वहाँ पे लेके चलते हैं इसको। थोड़ी सेक देते हैं, सांस वांस भी इसकी बहाल करते हैं, थोड़ा मुंह में सांस देते हैं, तो देखते हैं ये बचता है। कोशिश तो हम पूरी करेंगे। मुँह में जो है वो मिट्टी फंसी हुई है, तो वो भी पहले हाथ से साफ करेंगे। हवा मार के देखते हैं। ठीक है, बस इसको सारा दे दीजिए। पानी पानी ये पानी नहीं, ठंडा होगा। नहीं नहीं इसको थोड़ा सा गर्म, मुंह तो साफ करें ना इसका। नहीं जाएगा, नहीं खुलगा, नहीं खुलगा। दो दिन दे दो, खुल जाएगा। खोले थोड़ा और भी है।
तो अभी हमने इसको जो है आग लगा के गर्माइश दी है, इसका मुंह वगैरह साफ़ किया है। इसके मुंह हलक में वो फंसे हुए थे, कुछ मिट्टी के जर्रात वगैरह वो निकालें। तो अभी ये माशाल्लाह सांस जो है सही तरीके से ले रहा है जी जी। और अभी फूंक फूंक दी है, फूंक फूंक मारी है इसको। तो अभी वक्त वक्त से इसको फूंक दे रहे हैं, आगे इसका हलक वगैरह साफ रहे, उसको सांस जो है आसानी से आती रहे। तो अभी ये बिल्कुल सही जो है सांस ले रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर इसको जब ये सूखेगा ये सब, तो फिर दूध वूध पिलाएंगे थोड़ा, ताकि इसमें थोड़ी जान आए और बच जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच जाएगा। कभी भी आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो कि आपके किसी गोट्स के बेबी के साथ इस तरह तो हो, तो उसके साथ ये प्रोसेस लाजमी करें कि उसको सबसे पहले तो उसकी वो जो सांस है वो बहाल करें किसी भी तरह, उसको फूंक दें या फिर उसके चेस्ट जो है दिल की तरफ से ऐसे इसको दबाएं, ताकि उसके जो दिल के जो वाल होते हैं वो चलें और फिर वो जो है सांस ले। ये नहीं समझें कि वो मर गया, अपनी कोशिश करें पूरी, फिर उसके बाद जो होगा वो अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अब आप अपनी कोशिश पूरी करें और आग जला के उसको हीट दें। अगर सर्दियाँ हैं तो आग जला के उसको लाजमी हीट दें, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो ये गीले होते हैं, गीले होते हैं तो ठंड में उस गीलेपन से ही मर जाते हैं। तो इस वजह से ना इनको थोड़ा आग लगा के सुखा उखा के थोड़ा सांस वांस इनकी जो है वो करके थोड़ी देर बाद, फिर जब 3-4 घंटे बाद फिर इनको थोड़ा दूध वूध पिलाएं, ताकि फिर ज़्यादा दूध नहीं थोड़ा बहुत पिलाएं, ताकि थोड़ी जान आए इनमें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और आपने किसी के साथ अगर हुआ है तो बताएं या फिर आप ऐसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।